हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियोस। मेरे चैनल में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा वीडियो जो होने वाला है वो एक एक्चुएटर से ही रिलेटेड है। सनी मशीन, आप जैसे कि जानते ही है, मेरा हर वीडियो एक्चुएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आते हैं। तो आज की वीडियो कुछ खास है, और जो एक्चुएटर पॉपलेन मशीन में पैकेट ब्रेकर दोनों रहता है, उसमें आप जानते ही होंगे कि पैकेट ब्रेकर हर रोज़ फॉल फिटिंग करना पड़ता है, होता है। लेकिन क्या होता है कि पैकेट खोल के ब्रेकर जोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और एक आदमी से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये काम हर रोज़ करते होंगे, बट आज की जो हम टेक्निक आप लोग को देने वाले हैं वो टेक्निक कुछ इस तरीके से है कि अगर आपके पास एक हेल्पर है, अच्छा टैलेंटेड हेल्पर है, तो हेल्पर अकेला पैकेट खोल के ब्रेकर जोड़ सकता है और ब्रेकर खोल के पैकेट जोड़ सकता है। तो टेक्निक ये है, और आप लोग तो ये काम हर रोज़ करते होंगे, हर रोज़ ये होल फिटिंग करते होंगे। लेकिन ये टेक्निक आप लोग को पूरा देखना ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी टेक्निक बुरी नहीं होती है, कोई भी जानकारी बुरी नहीं होती है, अच्छी ही होती है, जानकारी रखना चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी ज़रूर आप देखना, पूरी वॉच करो, पूरी वीडियो को देखो। और आप भी अगर बाई चांस हेल्पर नहीं है तो अकेले खुद से पैकेट को खोल के ब्रेकर जोड़ सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आप, 5 से 10 मिनट में आप जोड़ पैकेट खोल के ब्रेकर। तो गाइस, ब्रेकर पैकेट होल फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से मशीन को लेवल में खड़ा करना है। आप देख सकते हैं हमारा पैकेट खुल के फिट हो चुका है ब्रेकर, और फाइनल कंप्लीट करने के बाद ब्रेकर में ग्रीसिंग किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं हेल्पर अभी ग्रीसिंग। तो फाइनल गाइस, लेवल में खड़ा करने के बाद आप ये देख सकते हैं ये मेन पिन का नट बोल्ट है, तो आपको कुछ इस तरीके से खोलना है। 30x30 का पैनल लगता है, किसी में 20x22 का भी लगता है, जैसा आपका मतलब जो साइज का नट बोल्ट है वो साइज का आपको रेंच ले लेना है। और आपको कुछ इस तरीके से मेन पिन को खोलना है। ये मेन पिन है, इसको बोला जाता है, इधर जो आप ये देख रहे हैं ये सेकंड पिन है, इसको आप कनेक्टिंग पिन, इसको कनेक्टिंग पिन के भी नाम से ये जाना जाता है, उसको कनेक्टिंग पिन ही बोला जाता है। तो ये दोनों को खोलना पड़ता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये बोल्ट खोल रहा है, और ये मेन पिन का बोल्ट खुल चुका है, और अभी कनेक्टिंग पिन का बोल्ट खोल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कनेक्टिंग पिन का बोल्ट भी खुल चुका है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको रेंच लेके इसको खोल लेना, और खोलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको रड लेना है। ये एक्सल रड है, और इसको खास करके एक्सल रड से ही पिन को बाहर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन को किस तरीके से बाहर कर रहा है, आपको कुछ इस तरीके से मार के पिन को बाहर कर लेना है। और आप ये देख सकते हैं हेल्पर ने अकेले किस तरीके से खोल चुका है, कनेक्टिंग पिन का पिन निकाल चुका है, अब मेन पिन को निकाल रहा है। और फ्रेंड्स, बात ऐसा है कि फर्स्ट में कनेक्टिंग पिन को ही निकाला जाता है, और सबसे पहले कनेक्टिंग पिन को ही निकालना चाहिए। कनेक्टिंग पिन को फर्स्ट में निकालोगे तो मेन पिन को निकालने में दिक्कत नहीं होगा, और अगर आपको पहले मेन पिन निकाल दोगे तो कनेक्टिंग पिन बहुत मुश्किल कर देगा निकालना, दिक्कत होता है। तो कनेक्टिंग पिन को निकाल चुका है, और अब मेन पिन को निकाल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेन पिन भी लगभग निकल ही चुका है, आप इधर से देख सकते हैं मेन पिन किस तरीके से निकल रहा है इसको। और मेन पिन निकल चुका है, और अब ऑपरेटर मशीन में बैठ के अब सबसे पहले यहाँ पे हॉल मिलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हॉल को मिलाया जाता है। यहाँ पे ऑपरेटर
इसको एकदम परफेक्ट में ला के हॉल को मिलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हॉल मैच नहीं हुआ है, हॉल को सही से मैच करके एकदम परफेक्ट मैच करके पिन को डालो तो 2 सेकंड भी नहीं लगता है पिन को अंदर जाने में, तुरंत अंदर चला जाता है। अभी आपको हम परफेक्ट हॉल मिला के पिन को अंदर डाल के दिखाते हैं कि कितना फास्ट जाता है, कोई घन नहीं कोई हम्मड़ नहीं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पिन चला गया है। अब इस साइड से थोड़ा बच जाता है, इसलिए बच जाता है क्योंकि इस साइड से हॉल नहीं मिला हुआ रहता है, तो इस साइड से भी हॉल मिलाना पड़ता है। यहाँ पे अभी इस साइड से भी हॉल मिलाएंगे और आप देख रहे हैं कि इस साइड से भी हॉल मिल रहा है और ये हॉल परफेक्ट हमको लग रहा है मिल चुका है, और यहाँ पे मार रहा है तो नहीं आ रहा है, तो हॉल परफेक्ट मिला नहीं है, थोड़ा सा और डाउन होगा, तो इसको डाउन करवा लो थोड़ा सा, और ये डाउन करवा के 2 हम्मड़ मारो तो पिन अंदर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हॉल परफेक्ट मिल जाने के बाद कितना फास्ट पिन अंदर आ जाता है, सो पिन लग जाता है, और ये मेन पिन लग चुका है। अब कनेक्टिंग की बारी है, तो कनेक्टिंग लगाने के लिए सबसे पहले ब्रेकर को हाइट किया जाएगा, बूम उठा लो तो ब्रेकर हाइट हो जाता है, तो इस तरीके से हाइट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हेल्पर साइज मिला हॉल मिला रहा है, तो यहाँ पे हॉल परफेक्ट मिलाएगा, उसके बाद ही कनेक्टिंग पिन को डाला जाता है। तो यहाँ पे हॉल परफेक्ट मिल चुका है और अब कनेक्टिंग पिन को लगाएगा, तो यहाँ पे कनेक्टिंग पिन को लगा रहा है और ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग पिन को किस तरीके से लगा रहा है। अगर नहीं जाए तो थोड़ा सा 1-2 हम्मड़ मार के देखना चाहिए, तो वो मार रहा है। और अब फाइनली गैस कनेक्टिंग पिन भी लग चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग पिन भी पूरा अंदर जा चुका है, और अब इसको आप डाउन कर दो, और डाउन करने के बाद यहाँ पे वाल के पास ये पाइप में वाल लगा हुआ रहता है, ये वाल के पास डम्बी लगा हुआ रहता है ताकि ऑयल ना लीकेज हो, तो डम्बी को खोल के पाइप को कुछ इस तरीके से कसना पड़ता है। 2 पाइप रहता है, एक मेन और एक रिटर्निंग पाइप रहता है, तो ये पाइप में भी डम्बी लगा हुआ रहता है ताकि पाइप का ऑयल लीकेज ना हो, नीचे ना गिरे। हाइड्रोलिक काफ़ी महंगा आता है, और पाइप को कुछ इस तरीके से फिट किया जाता है, दोनों पाइप को फिट किया जाता है, पहले दोनों साइड डम्बी लगे हुए रहते हैं, डम्बी को खोल के दोनों पाइप को फिट किया जाता है। तो अभी एक पाइप फिटिंग हो चुका है, दूसरा पाइप को फिट कर रहा है, तो यहाँ पे अभी ये दूसरा पाइप भी फिट हो चुका है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है, आसान तरीका है फिट करने का, इसको हाथ से जितना कस जाता है कस के रेंच लगा के 2 बार ठोक दो तो फुल टाइट हो जाता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फुल टाइट ही कभी भी इसको फुल टाइट करना है, अगर फुल टाइट नहीं करोगे तो ऑयल लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए फुल टाइट कभी भी इसको पाइप को फुल टाइट करें, लूज बिल्कुल ना छोड़े। और ये वाल है, पाइप को टाइट करने के बाद वाल को खोल दिया जाता है, ये वाल को खोलोगे तभी ऑयल आएगा, और ऑयल जब प्रेशर देता है तभी फायरिंग करता है, और दोनों साइड रहता है, एक मेन एक रिटर्निंग रहता है। उसके बाद आप इस तरीके से बूश को लगाए, हाथ से लगाने का रहे तो हाथ से लगाए और बोल्ट लगा दे, अगर इसमें बोल्ट नहीं रड लग रहा है, इसके कारण बूश क्या होता है, बूश में दागी जैसा स्क्रैच पड़ जाता है, इसके कारण पिन में जाता नहीं है, तो ठोक ठाक के उसको बिठाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नट बोल्ट नहीं है तो इसमें रड लगाया जाता है, और ख़ास करके क्या है कि एक बार नट बोल्ट तोड़ना